कुर्सी दा लालच बहुत माड़ा है, चाहे वह कुर्सी किसी भी खेत्र की क्यों ना हो। कुर्सी पाउण वास्ते बंदा की कुछ नहीं करता, पर कुर्सी मिल जाण ते उसके विचार ते विहार बदल जाते ने, जिवें अजकल दीआं सरकारां दे बदले हुए ने। सरकारां कुर्सी पाउण वास्ते हाथ भी जोड़दियां ने, ते सत्ता मिल जाण तों बाद जो कुछ भी हुंदा है वह आप सब दे सामने है। इन्हां सब पैंतरियां दे विच इक पैतरा है जात धर्म दे नाम दे उत्ते वोट लैणा, जो भारत दे विच ही नहीं विदेशां दे विच भी चलदा है, जिस नूं रंग भेद भी कहा जांदा है। अमेरिका ने ट्रंप नूं अपना राष्ट्रपति चुनिया सी कि अमेरिका देश वास्ते सोचेगा, पर राष्ट्रपति बन के उसने मुसलमानां ते होरनां देशां दे बंदियां दा जीउणा हराम कर दिता। खबरां राहीं तां सब कुछ बयान नहीं हुंदा, पर असल जिंदगी दे विच तां ट्रंप ने 25-25 सालां तों ग्रीन कार्ड होल्डरां नूं भी अपने घरां दा रस्ता दिखा दिता सी। अज उही ट्रंप हारन तो बाद भी यह कह रहा है कि मैं व्हाइट हाउस नहीं छड्डांगा, यह मेरा घर है। कुछ अजिहे सन कि बंदियां दे हाथ दे विच देश दीआं डोरां दे दित्तियां जांदियां ने। कुछ अजिहा ही अमेरिका दे विच होया जिसने एक पाकिस्तानी मुसलमान नौजवान की जिंदगी तबाह कर दित्ती, अते किवें उह चमत्कारी ढंग दे नाल एक गुरद्वारा साहब करके अज भी अमेरिका दे विच टिकिया होया है। न्यूयॉर्क दे गुरद्वारा साहब दे विच सेवा करदे गुरतेज सिंह ने दस्या कि ट्रंप दे रूलां ने काफ़ी जिंदगियां तबाह कीतियां अते देश दे ज़्यादातर मुसलमानां ते इन्हां दा खतरा सी। अजिहा ही वक्त दा मारिया मुसलमान वीर ज़ैनित अमान पिछले साल गुरद्वारा साहब दे विखे आया अते कुछ समां गुरद्वारा साहब विखे रुकण वास्ते मैनूं उसने पुछया। मैं देखिया कि उह सवेर दा ही काफ़ी बार गुरद्वारा साहब दे बाहर गेड़े मार रहा सी, शायद उह अंदर आउण तों झिझक रहा सी, ते आखिर दुपहर समय उह अंदर आ ही गया। वह काफ़ी परेशानी दे विच दिखाई दे रहा सी ते डरिया भी होया सी। मैं उसनू अंदर बुला के लंगर छकाया, डरदे होए ने उसने लंगर छकिया, शायद वह कुछ दिनों तो भुखा ही सी। हौली हौली उसने मेरे ते विश्वास करके दसिया कि वह पिछों पाकिस्तान तो है ते कुछ साल पहला ही अमेरिका आया सी, पिछों काफ़ी गरीब सी ते घर दे विच उसदे दो भरा तीन भैणा ते माँ सी। पिता की मौत पहला ही हो चुकी सी, तिने भैणा ब्याहुण वालियां सी। सारे भैण भरावां दे विचों वह सब तो वड्डा सी अते उसदे ही सिर दे उत्ते सारे परिवार की जिम्मेवारी है। अपनी पुश्तैनी जमीन ते घर वेच के उसने किसी की मदद दे नाल बॉर्डर टप के अमेरिका दे विच दाखल होया। इत्थे आ के उसनू लग्या कि जिवें सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुरू शुरू दे विच होया भी इंज ही, काम लभण दे विच भी कोई दिक्कत नहीं आई। किसी अमीर मुसलमान दे कोल रंग रोगन करन दा काम मिलिया ते वधिया तनखाह भी मिलदी रही, ते अपनी कमाई जोड़ जोड़ के वह पिछे अपने परिवार के कोल घालदा रहा ता कि उसकी भैणा दे विआह हो जाण ते उसदे भरा भी कोई काम कार कर लैण, पर खुदा नूं शायद कुछ होर ही मंजूर सी। समय दे नाल नाल उसका मालक पलटिया ते उसने अमान दा काफ़ी पैसा मार लिया। ज़ीनत अमान 5 वक्त दा निवाजी सी, अपने मालक दीआं काफ़ी मिन्नतां पाउण तों बाद भी उसकी गल ना बनी ते बाद विच इधर उधर घूमदे नूं जदों कोई काम ना मिलिया तां एक झूठे इल्जाम दे विच पुलिस ने उसनूं फड़ लिया ते काफ़ी दिन उसनूं जेल दे विच रखिया। बाद विच उसने दस्या कि इह कोई खुदा दा करम ही सी कि एक सरदार ऑफिसर जेल दे विच आया जिस दे घर दे विच मैं रंग दा काम कीता सी ते उसने सब कुछ पुछ के मेरी जमानत करवाई। उस तो बाद भी मैनू काम ना मिलिया ते ट्रंप दी सरकार दे विच डर दा माहौल सिर दे उत्ते छाया रहण लग्गिया। कुछ क लोकां दी बदौलत सारा धर्म ही बदनाम हो गया सी। लोग तां पहला ही मुसलमानां तों नफरत करदे सी ते ट्रंप दे आउण ते नाल ही उहनां नूं होर शै मिल गई। सिद्धे शब्दां दे विच ट्रंप ने कह दिता सी कि मैं मुसलमानां नूं इस देश दे विच नहीं रहण देना। मैं इह सुण सुण के परेशान रहण लग्गिया कि पिछे मेरे परिवार दा की होवेगा। इसी दे चलदिआं मैं स्ट्रैस दे विच आ गया ते इंज सड़कां दे उत्ते घूमदा रहण लग्गिया। अज खाण नूं कुछ नहीं मिलिया तां मैं इत्थे आ गया। इह सब कुछ सुण के मेरे मन दे अंदर इक तरस जिहा आया। वाहिगुरू दी किरपा दे नाल अमेरिका दे विच मेरे कोल सब कुछ सी। मैं उसनूं अपने घर दे बेसमेंट दे विच रखिया ते इक योग काम अपने खेतां दे विच ही दे दिता। उसनू मैं वधिया दिहाड़ी भी दिंदा रहा। हुण तक अमान ने अपनियां दो भैणां दा विआह पाकिस्तान दे विच ही वधिया तरीके दे नाल कर दिता ते उसदे भरा उत्थे पाकिस्तान दे विच ही रेडीमेड कपड़ियां दा काम भी करदा है। अपने काम ते निवास तों वेला होण तों बाद उह हर रोज़ मेरे नाल गुरद्वारा साहिब दे विच जांदा है ते सेवा भी करदा है। धर्म कदी भी साडी सेवा दे विच नहीं आया। ज़ीनत ने एक दिन भरी सभा दे विच कहा कि धर्म दा कोई फर्क नहीं हुंदा क्योंकि मेरे ही धर्म वाले ने मेरी बांह ना फड़ी ते मेरे नाल धोखा कीता ते एक दूसरे धर्म वाले ने मैनू दो बार जिंदगी दित्ती, एक बार मैनू जेल दे विचों छुड़वा के ते दूजी बार मैनू काम दे के, ते अज मैं अपने खुदा दी बंदगी करके गुरद्वारा साहिब दे विच सेवा करदा हाँ।